हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रिजॉर्ट जिसका नाम है द विंड फ्लावर प्रकृति रिजॉर्ट, जो कि बेंगलोर में है। विंड फ्लावर स्पा प्लस रिजॉर्ट है। ये रिजॉर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में है। तो फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए हैं, तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं और इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज दिया हुआ है, कैसा ये रिजॉर्ट है। ये रिजॉर्ट आपको बेंगलुरु के अलावा और भी जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैसूर, कुर्ग, गोवा, अदर और भी आपको इसके ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस रिजॉर्ट में नाइट स्टे भी करना चाहते हैं तो यहाँ रूम भी अवेलेबल है और यहाँ पे 3 टाइप की कैटेगरीज में रूम डिवाइडेड है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्वीट रूम देखने को मिल जाएगा, स्टूडियो रूम देखने को मिल जाएगा और विला रूम देखने को मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस रूम में अपना बुकिंग करवाना चाहते हैं, उसका सबका प्राइस अलग अलग है, आप अपने अकॉर्डिंग रूम बुक करवा सकते हैं। ये रिजॉर्ट मोस्टली वेडिंग एंड कॉर्पोरेट इवेंट के लिए फेमस है। अगर आप कोई रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के लिए बेस्ट हो तो ये रिजॉर्ट बेस्ट है। यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस और मीटिंग कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे वेडिंग के लिए भी बुक करना चाहते हैं तो ये प्लेस वेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। और अगर इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया 11 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी अगर हॉल कैपेसिटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हॉल कैपेसिटी क्या दिया हुआ है। इसकी एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को यहां से हैंड बेल्ट मिल गया है, हम सब लोगों ने अपना बेल्ट लगा लिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज दिया हुआ है। अगर इस रिजॉर्ट की चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे पर पर्सन 1700 रुपीस लगा था। डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हैं, वीकेंड में जा रहे हैं, वीकडे में जा रहे हैं और कोई फेस्टिवल तो नहीं है, तो उस हिसाब से ये चार्जेस थोड़ा बहुत तो अप डाउन होता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि जो चार्जेस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मे बी ये चार्जेस आपसे ना लिया जाए, क्योंकि कुछ और चार्जेस लिया जाए तो ये चार्जेस अप डाउन होते रहते हैं। चार्जेस में हमको पहले वेलकम ड्रिंक मिलेगा, फिर सेकंड लंच है और लास्ट में हमको वाइट टी मिलेगा। पर अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज एंजॉय करना चाहते हैं तो जो आपसे चार्ज लिया गया है उसमें आपको कोई भी कूपन नहीं देंगे, आपको कूपन के लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। यहाँ पे बस मुझे इस रिजॉर्ट का एक ही चीज ये पॉइंट खराब लगा कि वो उस चार्ज में कूपन नहीं देते हैं, लेकिन मोस्टली आप और भी रिजॉर्ट एक्सप्लोर करोगे तो वो जो चार्ज आपसे लेते हैं एंट्री के टाइम पे उसी चार्ज में वो आपको कूपन भी देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप कूपन लेने के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। बट यहाँ पे जो आउटडोर गेम्स हैं यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे ये चेस हो गया और भी बहुत सी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, तो आप वो एंजॉय विदाउट चार्जेस के कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो हम लोग यहाँ पे गेम खेलने आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम खिलवाने से पहले रिजॉर्ट की तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज करवाई गई हुई है। तो अगर आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं या टीम आउटिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रिजॉर्ट है टीम आउटिंग के लिए। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं या फ्रेंड सर्कल के साथ आना चाहते हैं तो ये रिजॉर्ट बहुत ही बेस्ट है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, वन डे आउटिंग के लिए और थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं या बाहर निकलते हैं एंजॉय करते हैं तो आपको एक अलग सा फील होता है, एक अच्छा सा अनुभव होता है, एक अच्छा सा फील होता है और आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होते हैं। इसलिए एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। तो अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्लेस है एंजॉय करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि और कहाँ पे हमको दूसरा एक्टिविटीज करने को मिले। तो आप ये देख सकते हैं प्लेस भी कितना खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे जो हरियाली है वो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे इस रिजॉर्ट की बात करें तो ये एक्चुअली में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है और एनिमल फ्रेंडली रिजॉर्ट भी है। तो ये प्लेस एनिमल के लिए और नेचर लवरों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। आपको न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करने का शौक है तो हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको और भी कहीं घूमना है उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल में विजिट करना ना भूलें। तो इतना एक्टिविटीज करने के बाद तो थोड़ा फोटो सेशन तो बनता है। तो चलिए फोटो क्लिक करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग तो नेक्स्ट जाएंगे और एक्टिविटीज एंजॉय करने के लिए। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते हमको और एक्टिविटीज करने के लिए मिल गया, जैसे कि यहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं और भी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज दिया है। तो आप ये भी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं एक्टिविटीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट ही एयरपोर्ट है, इस वजह से यहाँ से हमेशा क्रॉस करता है प्लेन। तो उसका साउंड भी आपको यहाँ पे सुनने को हमेशा ऑल टाइम मिलेगा। हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट भी हो गई है और हम लोग थक भी बहुत गए हैं क्योंकि भूख लग गया है, टाइम भी हो गया है लंच का। तो चलिए अब हम लंच कर लेते हैं। यहाँ पे लंच के लिए भी उन्होंने पूरा प्रिपरेशन करके रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंच में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको वैरायटीज भी मिल जाएगी खाने के लिए, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्टर से लेकर डिजर्ट तक आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए अब लंच का टाइम हो गया, लंच कर लेते हैं क्योंकि लगी है बहुत जोरों की भूख।
प्लस अगर आप यहाँ पे ड्रिंक के शौकीन हैं और आप यहाँ पे ड्रिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्रिंक भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया गया हुआ है। इसका सिटिंग एरिया भी अलग दिया गया हुआ है, पर यहाँ जो आपसे यहाँ पे चार्जेस लेते हैं उस चार्ज में आपको यहाँ पे ड्रिंक का ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर ड्रिंक करना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। हमारा लंच कंप्लीट हो गया है, हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं इधर उधर यहाँ का और लोकेशन देख लेते हैं कि कैसा बना हुआ है। तो आप यहाँ तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे बने हुए हैं। तो चलिए अब हम स्विमिंग पूल का मज़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल दिया जाता है, जो कि इसका डिपॉजिट चार्ज है 100 रुपीज़, जो कि आपको 100 रुपीज़ बाद में रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्विमिंग पूल का मज़ा ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे अंदर एंजॉय भी कर सकते हैं, बॉल पासिंग भी खेल सकते हैं, क्योंकि वाटर में खेलने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। हमने स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। अब हम लोग थक गए हैं, हमने ड्रेस चेंज कर लिए, अब हम जा रहे हैं बाइक ट्री लेने के लिए, क्योंकि इवनिंग हो चुका है, अब हमको घर भी रिटर्न जाना है। तो हम आ चुके हैं और हमने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ भी देखी। यहाँ पे बहुत सारी मैम लोग ग्रुप में आए हुए थे और यहाँ पे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, रील बना रहे थे। उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी रील्स बनाए। उन लोग बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे, उनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और जो उन लोग रील बना रहे थे एक दूसरे का, जो उसमें बॉन्डिंग दिख रहा था बहुत ही प्यारा दिख रहा था। तो वो मैम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली हमारा घर जाने का टाइम हो चुका है, अब हम घर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए सब लोग मुड़ के एक बार बाय बाय कर दीजिए जाने से पहले। तो सब लोग ने बाय बाय कर दिया है, तो अब हमारी तरफ से भी टाटा बाय बाय, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं।